हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ये पहले भी। ठीक है, तो क्या बोला है इसने, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। इसने क्या बोला, मेरे पास एक सिलेंडर है, लेटर मान लेता हूँ, दिस इज योर, ठीक है, एक सिलेंडर है और जिसका क्या दिया हुआ आपको, हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डाया इज हॉलोड आउट। मैंने क्या किया, इसने क्या बोला कि एक मेरे पास सिलेंडर गिवन है और इस सिलेंडर से मैंने क्या किया, एक कॉनिकल कैविटी निकाल ली। ठीक है, मतलब एक कोन इसमें से निकाल लिया जिसकी हाइट इसके बराबर रहेगी। ठीक है, और जिसका डायमीटर भी क्या रहेगा, इसके बराबर। इसका मतलब उसके बेस का डायमीटर क्या है, मेरे पास सेम रहेगा। हॉलोड आउट मतलब हाइट सेम है, मतलब इस पॉइंट तक जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐसे एक कोन इसमें से निकाल लिया, ये क्या कह लिया, मैंने बाहर निकाल दिया, काट दिया इसमें से, हटा दिया। ठीक है, फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नियरेस्ट मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर देना है मुझे। ठीक है, तो मुझे इसका क्या है, जो बच गया सॉलिड, मेरे पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर में से मैंने कोन को बाहर निकाल लिया, कोन बाहर निकालने के बाद मेरे पास जो बच गया सॉलिड, मुझे क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। बच गया मतलब मैंने ये वाला पोर्शन पूरा बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा कुछ सॉलिड बच गया 3D में। ठीक है, यानी मेरे पास क्या दिख रहा है, मुझे इसका बॉटम दिखेगा ये, मुझे ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला मतलब CSA ऑफ सिलेंडर, और मुझे ये वाला पोर्शन भी दिखेगा क्योंकि ये मैंने काट के बाहर निकाल लिया ऐसा। ठीक है, तो ये मेरा क्या CSA ऑफ कौन हो जाएगा, तो ये मुझे निकालना है इसको मैं। ठीक है, ये कटा हुआ पोर्शन है आपका, तो जस्ट फर्स्ट पार्ट हमें जो गिवन है वो लिखते हैं हम। देखिए, ठीक है, अगर हम बात करें सिलेंडर की, सिलेंडर या फिर कौन, दोनों ही कंडीशन में मेरे पास सेम है वैसे तो, लेकिन लिख लेते हैं अलग अलग से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सिलेंडर के लिए क्या है रेडियस, सॉरी पहले मुझे डायमीटर गिवन है, हाइट लिख लेते हैं, एच मुझे गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, द डायमीटर मुझे गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.4 डिवाइड बाय 2 मीन दिस इज 0.7 सेंटीमीटर एज इट इज। मैं कौन के लिए लिख लेता हूँ, कौन के लिए क्या है, उसने बोला कि सेम डायमीटर है, ठीक है, और हाइट भी सेम है, यानी एच भी कितना है मेरा 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर सेम है, मतलब रेडियस भी क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, बाकी बचा हुआ जो सॉलिड है उसका मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखते हैं बाकी सॉलिड में क्या क्या बचा है मेरे पास, जैसे मैंने आपको एक बार समझा दिया, दोबारा देखते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने इसमें से निकाल लिया है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मुझे इस चीज़ में नहीं जाना कि मुझे TS से निकालना है, CS से निकालना है। ठीक है, उसने बोला एक सॉलिड बचा हुआ है, उसका एरिया क्या होगा, उसकी जितनी सर्फेसिस मुझे दिख रही है उन सब का एरिया क्या होगा, वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास ये सिलेंडर था, मैंने यहाँ से तो नहीं काटा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन पूरा मुझे क्या होगा, दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, दिस इज CSA ऑफ सिलेंडर, ये वाला मुझे दिखेगा। ठीक है, तो इस टोटल जो बचा हुआ सॉलिड है उसमें ये दिखेगा, तो पहला मैं लिख देता हूं दिस इज कि इक्वल टू किसके होगा, CSA ऑफ सिलेंडर फर्स्ट पार्ट प्लस, और क्या होगा देखो, मुझे ये नीचे वाला पोर्शन दिखेगा। ठीक है, मैंने ऊपर से काटा है, ठीक है, नीचे तो ये पॉइंट तक आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन पूरा सॉलिड है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मुझे एज इट इज दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर बोल दो या फिर एरिया ऑफ सर्कल में बोल सकता हूं, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल प्लस, क्या क्या आ गया मेरे पास, मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया, मुझे नीचे से दिखेगा, साइड से मुझे ये दिखेगा, और जब मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये वाला पोर्शन दिखेगा, और ये क्या है, दिस इज CSA ऑफ कौन, क्या है, CSA ऑफ कौन, तो यहां पे लिखूंगा प्लस CSA ऑफ कौन। अब जस्ट मुझे फॉर्मूलाज पुट करने हैं, ठीक है,
और वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, मेरा आंसर मिल जाएगा। सी एस एफ सिलेंडर क्या होता है? दिस इज 2πr(h). एरिया ऑफ सर्कल जो बॉटम का क्या होगा? दिस इज πr² प्लस सी एस एफ कौन क्या होता है? दिस इज πr(l). ठीक है, क्या ये सारी चीजें मेरे पास हैं? मेरे पास रेडियस है, पाई की वैल्यू मैं खुद पुट कर सकता हूँ, एच मेरे पास है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास एल नहीं है। ठीक है, यानी कौन के लिए मेरे पास क्या है? स्लैंट हाइट नहीं है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है मेरे पास, हमें पता है कि एल स्क्वायर जो होता है, यानी अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ ये एंगल मेरा 90 डिग्री होता है, ये मेरी क्या होती है? स्लैंट हाइट होती है, ये मेरी क्या होती है? रेडियस, और ये मेरी क्या होती है? हाइट। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है मेरा? ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो बाकी दो साइड कौन कौन सी बची? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? मेरा रूट। तो मुझे चाहिए एल, किस में? कौन में? तो एल क्या होगा? एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पहले इसपुट कर दीजिए, आर क्या है मेरा? दिस इज 0.7 होल स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी है? दिस इज 2.4 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 0.7 पॉइंट को भूल जाते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो डेसिमल एक के बाद यहाँ कितने वाले लगेगा? 1, 2, 2 के बाद ध्यान 0 पॉइंट। पॉइंट के पहले डी 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.49 आ गया इसका, प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है? दिस इज 576। डेसिमल एक के बाद है तो 1, 2, 2 के बाद लगा दूँ मैं इसका होल रूट। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए क्या मिलेगा? 9 प्लस 6 इज 15 कैरी 1 हो जाएगा, 5 प्लस 7 इज 12 कैरी 1 अगेन 5 प्लस 1 इज 6। दिस इज 6.25 और पूरे का रूट एज इट इज। 625 का रूट क्या होता है? दिस इज 25 और डेसिमल दो के बाद है, रूट किया तो एक के बाद, तो दिस इज 2.5 और ये सेंटीमीटर। ठीक है, ये पार्ट आपको पहले करना है। ठीक है, या फिर जैसे आपने फॉर्मूला पुट कर दिया बाकी वैल्यूज पुट कर दो, ये वाला पार्ट यहां करके दिखा दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, तो सिंपल सा था, मैंने एल निकाल लिया, अब मेरे पास सारी चीजें हैं, जस्ट मुझे क्या करना है? वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज पुट करो, यहां से देखो πr मैं πr सब में से कॉमन ले सकता हूं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं πr को निकाल लेता हूं बाहर। यहां क्या बचेगा? दिस इज 2h, यहां पे एक r बाहर जा चुका है, पाई बाहर जा चुका है, एक r बाहर चला गया तो क्या बचा? एक r प्लस पाई आर बाहर जा चुका है, क्या बचा? एल। वैल्यूज पुट कीजिए, पाई इज 22/7, आर रेडियस कितना है आपका? दिस इज 0.7, तो मैं क्या इसको 7/10 लिख सकता हूं। ठीक है, 2 into h कितना है मेरे पास? h इज 2.4, तो मैं इसको 2.4 रखता हूँ, प्लस रेडियस इज 0.7 एंड दिस इज 2.5। एक बार मैंने इसका डेसिमल नहीं हटाया क्योंकि कैलकुलेशन जस्ट मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड करूंगा, उसके बाद मैं ले आऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा? इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, मेरे पास 22/10, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 22/10, ब्रैकेट स्टार्ट, 2.4 into 2, दिस इज 48, दिस इज 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 एज इट इज, इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो दिस इज 22/10 into, डेसिमल के बाद 8 है, 7 है, 5 है, ऐड करेंगे, 5 प्लस 7 12 12 प्लस 8 20, कैरी 2, 4 प्लस 2 इज 6 6 प्लस 2 इज 8, और डेसिमल के बाद 0 कोई मतलब नहीं बनता, इसको एडिट ही छोड़ देते हैं। क्या ये कैलकुलेट हो सकता है फर्दर? देखो इसको सिंप्लीफाई मैं 5 से करूंगा तो 10 से डिवाइड करना इजी रहता है मेरे लिए, 10, 100, 1000 अगर नीचे मिलता है तो, या तो आपके पास दो ऐसी टर्म्स हो ऊपर जिनमें 2 से भी डिविजिबल हो 5 से भी डिविजिबल होता है तो कैंसिल आउट करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, तो मैं इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस इज 176 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 मींस दिस इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसने बोला नियरेस्ट में बोला है तो 17.6 है, तो इसका आंसर आपको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी मिल सकता है, क्योंकि मुझे पता है डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो मैं क्या कर देता हूँ? आगे कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो वो मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये भी आंसर सही है, और अगर आप अप्रोक्सीमेट लिखोगे तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा, अप्रोक्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
तो थोड़ा सा जस्ट मैंने आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जस्ट डायग्राम बनाओ, उसमें देखो मुझे कौन कौन सी सरफेस दिख रही है, ठीक है, उन सर्फेस का एरिया निकाल दो बस, और मुझे कुछ नहीं करना होता सर्फेस एरिया कंडीशन में, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।